नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया एडियम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालकर आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फोन से वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं कि यदि आपका नाम वोटर लिस्ट की लिस्ट में यदि आपका नाम होता है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम चेक करना होता है, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल फोन से ही वोटर आईडी कार्ड की मदद से ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, ऑल इंडिया एडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। उसके बाद आपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप थ्री डॉट मिलेगा आपको, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पे राइट चेकमार्क लगा देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है nvsp.in, ये आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पे देख सकते हो सर्च यूवर नेम, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजे, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड की मदद से आप यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हो वोटर लिस्ट में, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड पे, जैसा कि आप साइड पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे ईपीआईसी नंबर मिलेगा, तो वही नंबर आपको यहाँ पे डालना। तो चलिए मैं नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ, यहाँ पे ईपीआईसी नंबर मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य में रहते हो वो राज्य आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड फिलअप, सही से कैप्चर कोड फिलअप करना है। तो चलिए मैं कैप्चर कोड फिलअप कर लेता हूँ। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च खोजे पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका ईपीआईसी नंबर भी आ जाएगा और आपका नेम भी आ जाएगा। यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो, आपकी एज कितनी वो भी आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पे आप पोलिंग स्टेशन भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो असेंबली सीट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और उसके बाद जो संसदीय क्षेत्र आपका कौन सा है, अलवर है, तो वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार यदि आपका नाम आपके वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर डालकर जो भी मैंने ट्रिक बताया उसकी मदद से यदि ये नाम शो कर लेता है तो आप समझ जाइएगा आपका नाम वोटर लिस्ट में है। तो यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक पीडीएफ मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ, आपकी डिटेल आ जाएगी, क्रमांक नंबर, और यहाँ से आप मतदान यहाँ पे देख सकते हो, मतदान प्रिंट भी निकाल सकते हो आप। तो इस प्रकार आप अपना वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे जो बिना वोटर आईडी कार्ड की मदद से सिर्फ आप अपना खुद का नाम डालकर ही ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट में है या नहीं। तो ये वीडियो मैं अगला बनाऊंगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।